नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये कॉलम खड़ा हुआ है और ये जैसे कि पीछे वाला दीवार देख सकते हैं और ये वाला दीवार देख सकते हैं, और यहाँ पे वो जो वहाँ पर जो आदमी खड़ा है वहाँ पे वो कॉलम जहाँ रखा है, इसको मतलब कि जो कॉलम खड़ा करना है बिल्कुल बुनिया में कॉलम खड़ा करना है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बुनिया में किस तरह बुनिया किया जाता है। तो वीडियो पूरा देखे दोस्तों। तो 3, 4 और 5 का गुनिया होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसको किया किस तरीके से जाता है तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। तो जैसे कि वो वाला दीवार, जैसे कि यहाँ यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैं 6 फीट पे ये कॉलम हमारा खड़ा है यहाँ पे। तो इसका हम गुनिया किस तरह करते हैं, और वहाँ भी उस दीवार से जैसे कि देख सकते हैं, उस दीवार से हम 6 फुट मिनती किए हैं वहाँ पर, लेकिन मिनती नहीं है वहाँ पर, लेकिन हम एक बार गुनिया चेक किस तरीके से करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला दीवार यहाँ नहीं होता, अगर गुनिया करना होता तो एक यहाँ से सूता बांधना पड़ता और एक इधर से सूता बांधना पड़ता, लेकिन एक्चुअली में यहाँ दीवार है और ये जो नुकर है बिल्कुल मिनती में है ये। बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि अच्छी तरीके से मिनती करना है। तो मैं दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि देख सकते हैं ये जो मिनती की है, ये जो सूत बने हुए हैं वहाँ पर, तो मतलब वहाँ से ही मिनती में ही है और ये भी मिनती में है। तो मतलब यहाँ से इस नुकर से हम यहाँ पे 3 फुट बिल्कुल करेक्ट मिनती करेंगे, बिल्कुल सीधा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ जो हम सीधा नुकर मिलाए हैं 3 फुट पे है यहाँ, और यहाँ पे 3 फुट हम यहाँ निशान लगा लिए यहाँ पे इस तरीके से। और गुनिया हमारे को ये जो सूत दिख रहा है इसको करना है, तो यहाँ पे हम 4 फीट मिनती करेंगे इसी दीवार से यहाँ से। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 4 फीट हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हम यहाँ कर लिए हैं। और सूत में यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल करेक्ट 4 फीट है यहाँ पे, ये जो सूत बांधे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल 4 फीट है, और ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे ये 3 फीट पे लगाए हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं एक बार और आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट 3 फीट है यहाँ। अब ये जो निशान है और ये जो हम 4 फीट यहाँ मिनती किए हैं इस नुकर से और यहाँ पे बिल्कुल 4 फीट होना चाहिए, ये इस नुकर से जो यहाँ 3 फीट मिनती किए हैं और इस नुकर से ये जो 4 फीट मिनती किए हैं, जब यहाँ से हम इसको नाप मिलती करेंगे या इस नुकर में, तो 5 फीट आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 5 फीट नहीं है यहाँ, यानी कि 5 फीट 1.5 इंची हो रहा है, यानी कि 61.5 इंची हो रहा है। 60 इंची में 5 फीट होता है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 61 इंची हो रहा है। तो सूता थोड़ा इधर कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए, सूता खींच के रखिएगा। और कीजिए इधर, तो वहाँ पे जो आदमी हमारा खड़ा है हम दिखाना चाहेंगे, वो जो 6 फुट पर निशान कर रहे हैं इधर को, मतलब कि यानी कि 6 से 7 इंची हमारा इधर हो चुका। तो अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल करेक्ट 5 फीट है यहाँ पे, जैसे कि दिखाना चाहूँगा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से ये जो निशान हम 3 फीट पे लगाए थे यहाँ से फीता पकड़े हैं यहाँ से, और यहाँ बिल्कुल 5 फीट है। तो और वो जो इधर बढ़ाया हमारा आदमी जो वहाँ खड़ा है, वो सूत इधर बढ़ा रहा है, तो मतलब कि वहाँ अब मिनती में 6 फीट नहीं होगा, लेकिन ये जो नुकर है बिल्कुल गुनिया में हो चुका है हमारा। तो दोस्तों इसी तरीके से गुनिया होता है, आप इसी तरीके से गुनिया कर सकते हैं। कोई भी प्लाट का लेआउट करना हो इस तरीके से गुनिया कर सकते हैं, चाहे कमरा ही एक बना रहे हैं तो उसका भी गुनिया इसी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि ये सूत दिख रहा है जो, ये बिल्कुल गुनिया में हो गया है। अब इसके आगे जैसे कि ये प्लाट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्लाट है ये, इसमें हम मकान बनाने वाले हैं,
तो इसके आगे जो हम बनाते जाएंगे बिल्कुल गुनिया में बनता जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही गुनिया होता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये जो सूत है वो बिल्कुल गुनिया में हो चुका है। अब यहीं पे हम मतलब कि यहाँ पे चूने का निशान लगा के और जो नी है इसको खुदाई अच्छी तरीके से करवाएंगे और कालम जो जहाँ जहाँ है अब उसी हिसाब से हम सब खड़ा करेंगे। तो इसी तरीके से गुनिया होता है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर भी करें कि जिन लोगों को नया नया काम सीख रहे हैं उनको पता नहीं है वो वीडियो देख के और इस तरीके से काम सीखे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कि मैं नॉलेज ऐसे ही रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।